हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आई एम गजेश कुमार विदानी। वीडियो बेस्ड ऑन टीटी इंग्लिश प्रिपरेशन। दिस वीडियो इज बेस्ड ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ प्रीवियस वीडियो। हेयर क्वेश्चन नंबर 101 इज गिवन एज द फाइनेस्ट ऑफ गाजवर्दीज लेटर ड्रामास इज। फ्रेंड्स, यहां पर आपको बताना कि गाजवर्दी का जो फाइनेस्ट ड्रामा था वो इनमें से कौन था। तो इसमें यहाँ पर आंसर हो जाएगा 101 का डी, लॉयलिटीज जो है 101 के लिए करेक्ट हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 102, द 2 अप्रैल मॉर्निंग इज ए पोएम बाई। द 2 अप्रैल मॉर्निंग ये किसके द्वारा लिखी गई पोएम है 102 के लिए। यहाँ पर दिया गया है विलियम वर्ड्सवर्थ। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 103, हु इज़ द ऑथर ऑफ लिरिकल बैलेट्स। लिरिकल बैलेट्स के लेखक का नाम बताना है यहाँ पर आपको 103 के लिए। यहाँ पर आंसर हो जाएगा वर्ड्सवर्थ। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 104, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, व्हाट डज लाइट रिफर्स टू। यहाँ पर लाइट किसको रिफर करता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आई साइट, मिल्टन की आई साइट को ये रिफर करता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105 इज मिल्टन पैराडाइज लास्ट इज डिवाइडेड इन टू। मिल्टन के पैराडाइज लास्ट को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर आंसर दिया गया है 12 बुक्स, 12 किताबों में इनको डिवाइड किया गया है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 106, द फ्रेज डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी वाज फर्स्ट यूज बाई। यहाँ पर ये टर्म जो फ्रेज दिया गया है डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी ये किसके द्वारा सबसे पहले यूज़ किया गया है यहाँ पर आपको बताना है। 106 के लिए आंसर हो जाएगा यहाँ पर T.S. Eliot। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 107, हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिवर्सिटी विट। इनमें से यूनिवर्सिटी विट जो एक ग्रुप है लेखकों का, इनमें से कौन नहीं है। तो यहाँ पर दिया गया इसका आंसर बेन जॉनसन, इनमें से नहीं है, बाकी 3 हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 108, हु डिफाइंड ट्रेजडी इन द फॉलोइंग मैनर। ट्रेजडी इज एन इन्विटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस कम्प्लीट एंड ऑफ अ सर्टन मैग्नीट्यूड। ये टर्म किसने डिफाइन किया है ट्रेजडी का ये आपको बताना है। 108 के लिए आंसर हो जाएगा सी, अरिस्टोटल का है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, हु इज़ द फादर ऑफ द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के फादर किसको कहा जाता है। तो यहाँ पर 109 के लिए आंसर दिया गया है T.S. Eliot। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 110, चूज द राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड एफेमिनेट। एफेमिनेट की यहाँ पर आपको मीनिंग बतानी है ऑप्शन में से। तो यहाँ पर आंसर दिया गया है ए मैन हु इज़ वोमनिश इन हिज हैबिट्स। जो नारियों के जैसा व्यवहार करता है उसको एफेमिनेट कहा जाता है। 110 के लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से। क्वेश्चन नंबर 111, व्हाट इज द मीन्ट बाई कैथरेसिस। कैथरेसिस की मीनिंग यहाँ पर आपको बतानी है 111 के लिए। परगेशन ऑफ इमोशन ऑफ पिटी एंड फियर। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 112, व्हाट इज द थीम ऑफ द प्रोलेटेरियन नॉवल। प्रोलेटेरियन नॉवल का थीम यानी विषय वस्तु क्या है। तो यहाँ पर 112 के लिए आंसर हो जाएगा वर्किंग क्लास। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 113, द टर्म डिस्टोपिया इम्प्लाइज। डिस्टोपिया का क्या मतलब है यहाँ पर आपको बताना है। 113 के लिए आंसर हो जाएगा अनप्लीजेंट रियल वर्ल्ड, जो वास्तविक दुनिया से संबंधित हो और अनप्लीजेंट हो उसको डिस्टोपिया कहा जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक फर्स्ट आपसे मैं करना चाहूँगा कि डिस्टोपिया का अपोजिट क्या होता है, कमेंट के माध्यम से बताएंगे। यहाँ पर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 113 के लिए बी। क्वेश्चन नंबर 114, द टाइप ऑफ फिक्शन हुज सेटिंग इज इन द मेडिवल पीरियड ऑफ एन इन अ ग्लूमी कास्टल रेप्लीट विद डेंजरस सबटेरेनियन पैसेज एंड यूज ऑफ घोस्ट एंड मिस्ट्रीज इज कॉल्ड। यहाँ पर इसके लिए आपको आंसर बताना है। 114 के लिए आंसर हो जाएगा यहाँ पर हिस्टोरिक नॉवेल। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 115, द अनब्रोकन फ्लो ऑफ द थॉट एंड अवेयरनेस इन द वॉकिंग माइंड इज कॉल्ड। यहाँ पर आपको बताना है कि इसका आंसर कौन सा होगा ऑप्शन में से। 115 के लिए आंसर हो जाएगा यहाँ पर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 116 इज गिवन हियर। 116 इज एज फॉलोज। यस, 116 इज हु हैज़ रिटन जोसलिन अमंग द फॉलोइंग राइटर्स। निम्नलिखित में से किसने जोसलिन लिखा है। वेरी इजी क्वेश्चन, गाजवर्दी का यह है, गाजवर्दी ने लिखा है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 117, व्हाट इज पोएटिक लाइसेंस। पोएटिक लाइसेंस क्या है। 117 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा लिबर्टीज विद लैंग्वेज एंड फैक्ट्स इन पोएट्री। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 118, द पोएट ऑफ द फेमस पोएम डेफोडिल इज। डेफोडिल्स के रचयिता कौन है यहाँ पर आपको बताना है। वेरी इजी क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर टीजी प्रिपरेशन। यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है विलियम वर्ड्सवर्थ। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी।
क्वेश्चन नंबर 119 मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज, मिल्टन के द्वारा रचित ऑन हिज ब्लाइंडनेस क्या है, ये आपको बताना है। 119 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए पेट्राचन सोनेट, एक प्रकार का सोनेट है, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 120 द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी इन विच पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ डज दिस लाइन ऑकर, विलियम वर्ड्सवर्थ की किस रचना में ये लाइन आती है, ये आपको बताना है। 120 के लिए आंसर हो जाएगा लाइन्स रिटन इन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटनबी, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 121 विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स मार्क्स द बिगनिंग ऑफ शेक्सपियर्स सक्सेस, यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका वीनस एंड एडोनिस, जो कि विलियम शेक्सपियर की रचना है, इसी से इनको सक्सेस मिली थी, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 122 द प्ले हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर इज कैटेगराइज्ड इनटू व्हिच कैटेगरी ऑफ द बेसिस ऑफ थीम ऑफ द प्ले, यहाँ पर आपको बताना है कि हैमलेट जो कि शेक्सपियर की रचना है ये किस प्रकार की रचना है, ये आपको बताना है। 122 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा टेस्डी, ये टेस्डी है, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 122 हु इज होरेशियो इन द प्ले हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर की रचना हैमलेट में होरेशियो कौन होता है, ये आपको बताना है। 123 के लिए आंसर हो जाएगा यहाँ पर हैमलेट क्लोज फ्रेंड, हैमलेट का अभिन्न मित्र होता है, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 124 मैकबेथ अटर्स हिज सोलिलॉग टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो व्हेन, मैकबेथ जो है इस सोलिलॉग को कब बोलता है, ये आपको बताना है। 124 के लिए आंसर हो जाएगा ही रिसीव्स द न्यूज़ ऑफ लेडी मैकबेथ्स डेथ, जब वो लेडी मैकबेथ की मृत्यु के समाचार को सुनता है तब ये लाइन बोलता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। फ्रेंड्स यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपसे कमेंट के माध्यम से चाहूँगा कि टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, कमेंट के माध्यम से बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115 हु इज नोन एज द पोएट ऑफ द लेक्स, पोएट ऑफ द लेक्स के नाम से किसको जाना जाता है, वेरी इजी क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर टीटी, यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ को जो है पोएट ऑफ लेक्स के नाम से जाना जाता है, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, फ्रेंड्स एक बात और बताना चाहूँगा, ये प्रैक्टिस सेट 6 समाप्त हुआ, आगे का प्रैक्टिस सेट मैं जारी रखूँगा, बस कि आपसे अनुरोध है कि आप मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।